हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां। ये जो जानकारियां आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई नहीं है, आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई नहीं है, लेकिन आप इन सब बातों का नहीं रखेंगे ध्यान तो आपको एग्जाम में पक्का फेल होना अनिवार्य है। तो इसलिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको यहां मिलती रहती हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि परीक्षा में क्या क्या ले जाना अनिवार्य है। सबसे पहले ये दिख रहा होगा कि परीक्षा में आप क्या क्या ले जाना अनिवार्य है। आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर मन में सवाल रहता है क्या ले जाएं क्या ना ले जाएं। तो आपको मैं बता दूं, पंजीकरण कार्ड आपका रहता है और प्रवेश पत्र के साथ लिंक किया गया आधार कार्ड, यही आपको तीन चीजें ले जाना अनिवार्य है। तो आप अगर इसे नहीं ले जाते एग्जाम में तो आपको फेल होना अनिवार्य है। तो इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक जगह एकत्रित कर लें। उसे एक जगह एकत्रित किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने यहाँ रखा है, और एग्जाम से एक दिन पहले पूरी तैयारी कर लें। अब आते हैं दूसरे प्रश्न नंबर की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको क्या आपके मन में विचार होगा, अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या वो बातें होंगी। क्या परीक्षा केंद्र पर पर्स ले जा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे पैसे लेकर जाएंगे, ज्यादा दूरी है परीक्षा केंद्र तो पैसे लेकर जरूर जाएंगे। तो आपको बता दूं, हाँ ले जाना अनिवार्य है आपके लिए, बिल्कुल अनिवार्य। यूपी बोर्ड से कोई आपको वो प्रतिबंध नहीं लगा कि आप नहीं ले जा सकते हैं या ले जा सकते हैं, परंतु पर्ची होने का संदेह रहता है उसमें, इससे न ले जाए तो बेहतर होगा। आपको जो भी वहां आप चेकिंग करने वाले होंगे वहां पर्ची ले जाना मतलब पर्ची सॉरी वहां पे सोचेंगे पर्स में जरूर ना कुछ होगा और आपका पैसा उसमें रहेगा, तो आप भी चाहेंगे कि मेरा पैसा न खोए। तो अगर वो निकलवा देंगे तो आपका पैसा भी खो सकता है, तो इसलिए आप पर्स को न ले जाए तो अच्छा होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर पे। क्या आप देख रहे होंगे स्टील की पटरी ले जा सकते हैं, ले जाने पर क्या प्रतिबंध है? स्टील की पटरी जो आती है बहुत ही मजबूत रहती है, बच्चे समझते हैं कि इसे ही खरीद लें तो बहुत दिन तक चलेगा। तो हम आपको बता दूं कि स्टील की पटरी पर गणितीय संगणनाएं होती हैं, यह प्रतिबंध है। आप स्टील की पटरी नहीं ले जाएंगे वो जब्त हो जाएगा, जिससे आपको घाटा लग जाएगा। और अब बात करते हैं कौन सी पटरी आप ले जा सकते हैं, इसलिए सामान्य स्केल की स्केल ही ले जाए। सामान्य स्केल में आपका नटराज का मिलता होगा, जो बहुत ही बड़ी वाली स्केल ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा हम कहेंगे। आप आगे आपकी जो मर्जी, लेकिन स्टील की पटरी आप नहीं ले जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर में आपको क्या है, पेपर में किस पेन को ले जाए, पेपर में किस पेन को या किस कलर को आप पेन का यूज करेंगे। तो केवल आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, और चित्र बनाने के लिए पेंसिल का यूज करना है आपको। जैसे कि मैंने वीडियो में एक बनाया था, उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, पूरी डिटेल इसके बारे में आपको दी गई है, क्यों यूज करना है क्यों नहीं करना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर पांच पे। पांच में आपको क्या है, पेपर में क्या जूते पहनकर जा सकते हैं? ये आप सोच रहे होंगे, जो जूते ठंड थोड़ी बहुत होगी मॉर्निंग में तो क्या जूते पहनकर जा सकते हैं? हाँ आप जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है बिल्कुल हम कहेंगे, लेकिन क्यों नहीं आप जाएंगे हम अपने तरफ से आपको बता दे रहे हैं क्यों आप पहनकर नहीं जाएंगे। कई बार परीक्षा केंद्र पर जूते निकलवा दिए जाते हैं, ऐसे में स्लीपर पहनकर जाएं तो असुविधा नहीं होगी। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने भी बोर्ड एग्जाम दिया है तो वहां पे जूते निकलवा दिए जाते थे, जिससे आपको असुविधा होगी, जूते कहाँ रखें क्या नहीं रखें, अगर खो जाता है तो क्या होगा। तो अगर आप स्लीपर पहनकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, मैं कहूंगा आप स्लीपर पहनकर ही जाएं। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर की तरफ, और अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न पत्र एनसीईआरटी बेस्ड मेड से आएगा कि नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या एनसीईआरटी जो पैटर्न आपका लागू किया गया है यूपी बोर्ड से, क्या उससे एग्जाम में आएगा कि नहीं। आपको बता दूं कि जो आपके मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं सेम उसी तरह का आपका पेपर आएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केवल इसी बुक से आप पढ़िए एनसीईआरटी से आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर सात पे, कि आपका मन में यह भी सवाल होगा, कॉपी के हर पेज पर रोल नंबर लिखना जरूरी है? जरूरी है तो क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको बता दूं।
इस बार सभी छात्रों को कापी की हर पृष्ठ पर कोड व रोल नंबर लिखना होगा। हर कापी के पृष्ठ पर आपको पृष्ठ पर कोड और रोल नंबर लिखने के लिए जगह होगा और यही यह उनकी सुरक्षा के लिए है। इसे कापी बदलने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए कि कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे सेंटर होता है वहीं पे आपकी कापियां बदल ली जाती हैं। तो इसलिए आप हर कापी और कापी पे जो आप इंश्योर शीट रहेगा उस पे कोड और रोल नंबर जरूर भरेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर भरेंगे एग्जाम में। ये हो गया कि हर पृष्ठ पे कापी रोल नंबर लिखना जरूरी है। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर। आपको अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट रखेगा आपके एग्जाम के लिए। ये मेरे तरफ से टिप्स, आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। परीक्षा को लेकर घबराहट है तो क्या करेंगे आप? घबराहट आपको रहती है, पहली बार जो भी आप काम करते हैं उसमें घबराहट रहती है, तो आप क्या करेंगे उसमें? थोड़ी देर योग करेंगे, जो भी मॉर्निंग के समय रहेगा थोड़ी देर योग करेंगे। नींद पर्याप्त लेंगे, आप भरपूर मात्रा में नींद लेंगे, 6 से 7 घंटा भरपूर सोएंगे आप। और नया टॉपिक पढ़ने के बजाय रिवीजन पर फोकस करेंगे। नया टॉपिक आप नहीं ढूंढेंगे कि कौन सा छूट रहा है कौन सा नहीं, पर रिवीजन पर फोकस करेंगे, जो भी आप पढ़ा हुआ है उस पर फोकस करेंगे। और परीक्षा के एक दिन पहले पहन कर जाने वाले कपड़े निकाल लें, उसे अच्छी तरीके से प्रेस आपको करने होंगे, चाहे कुछ भी करना होगा आप कर लेंगे। उसमें अपना प्रवेश पत्र, पेन, रजिस्टर कार्ड रख लें ताकि जल्दबाजी में उसे भूलें ना। मेरे तरफ से ये टिप्स रहेगा कि आप जो भी कपड़े पहनकर जाने वाले हैं उसे निकाल लें और उसे अच्छी तरीके से, उसमें आपकी जो भी चीज ले जाने वाली है उसमें जरूर रख लें। एग्जाम टाइम में अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं तो आपके लिए हानिकारक होगा, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा, तो इसे जरूर से जरूर आप रख लें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर की तरफ। अगला प्रश्न आपको मन में उठ रहा होगा, परीक्षा केंद्र पर कितने समय पहले प्रवेश मिल जाएगा? कितने समय पहले प्रवेश मिल जाएगा ये आपको मैं भी बता देता हूँ। 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, जो भी आधा घंटा का समय आपको बचेगा वहां पे पहुंच जाएं, और 15 मिनट पहले कक्ष में बैठ जाएं। तो आपको आधा घंटा पहले से ही प्रवेश आपको मिलना चालू हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द प्रवेश लेकर 15 मिनट पहले कक्षा में बैठ जाएं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जो भी आपका समय मिलेगा, जैसे 8 बजे से है तो 7:45 तक आप क्लास में बैठ जाएं, आप कोशिश करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या परीक्षा में घड़ी पहन कर जाना जरूरी है? आप ये भी सोच रहे हैं घड़ी पहन कर जाएं, टाइम देखेंगे, तो आपको बता दूं हाँ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पर डिजिटल घड़ी नहीं पहन कर जाना है। आपको डिजिटल घड़ी नहीं पहन कर जाएंगे, सिंपल घड़ी पहन कर जा सकते हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। अगर नहीं पहन कर जाते हैं तब भी वहां पे समय समय पर टाइम बताया जाता है। तो ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट 10 बातें, और भी कुछ सिंपल सी हैं जो बातें आपको अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो आप कमेंट करके बताएं क्या अगला वीडियो आए या ना आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।